हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज हम लोग के साथ है बजाज पल्सर NS160। तो आज इसका रिव्यू करते हैं और देखते हैं ये गाड़ी कैसी है। तो ये है आपकी NS160 और NS स्टैंड फॉर नेकेड स्पोर्ट 160। और ये एल्डर शिबलिंग है NS200 की। और यहाँ मिलता है आपका फ्यूल टैंक। इसका फ्यूल टैंक है इसका 12 लीटर्स का। और यहाँ से टैंक ओपन हो जाता है। मैं टैंक ओपन करके दिखाता हूँ किस क्वालिटी में टैंक ओपन होता है ये। और ऐसे खुलता है आपका पेट्रोल टैंक का कैप, जॉइंट रहता है इसमें, निकलता नहीं है, जो कि काफ़ी सही बात है। और यहाँ मिलता है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आपको फ्यूल गेज डिजिटल मिलेगा, ओडोमीटर डिजिटल मिलेगा, स्पीडोमीटर डिजिटल मिलेगा, और ये RPM वाला मीटर आपको एनालॉग मिलेगा। बैटरी लेवल इंडिकेशन है और ये बजाज का लोगो है जो कि फिर से ब्लूटूथ जैसा लगता है। और इंडिकेटर्स के लिए आपको यहाँ पे साइन मिल जाएंगे, हाई बीम के लिए भी साइन मिल जाएंगे आपको। ये हाई बीम का साइन है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें क्लॉक भी मिल जाती है, एक इंजन क्विल स्विच है, सेल्फ है, AHO है इस गाड़ी में। ये एक 2018 वाला मॉडल है, तो ये लेटेस्ट वाला तो नहीं है, लेकिन लुक वही प्रोवाइड करता है। आगे ये हेडलैम्प आपको ये दिख रहे होंगे, काफ़ी अच्छे लगते हैं। आगे और पीछे ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं 2018 वाले मॉडल में। और इसमें किक है, मतलब आप किक से स्टार्ट भी कर सकते हैं। और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स दिए हुए हैं, आगे आपको डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं। और इंजन की बात करें तो आपको इंजन मिलता है 160 सीसी का, और 5 स्पीड गियर बॉक्स है, 15.5 PS ऑफ पावर बनाता है और 14.6 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है ये इंजन। और जिसकी टॉप स्पीड आप इस गाड़ी से गेन कर सकते हैं अराउंड 110 टू 120 के बीच में। और इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं माइलेज वगैरह की, तो माइलेज ये देती है, कंपनी क्लेम करती है 45 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन जिसकी गाड़ी है ये, उससे मैंने पूछा है तो उसने बताया कि 30 किलोमीटर पर लीटर के ऊपर ये माइलेज नहीं देती, क्योंकि वो चलाता भी उसी तरीके से है। और यहाँ पे आपको मिलता है ये फ्यूल का स्विच है, ये रिजर्व वगैरह में लगाने के लिए। और ये रात में ये जो लाइट्स हैं हॉर्न वगैरह की, और ये सेल्फ वगैरह की, ये जो लाइट्स हैं ये काफ़ी अच्छी लगती हैं देखने में रात में। और एग्जॉस्ट इस गाड़ी में नहीं होता है, NS में एग्जॉस्ट इसके नीचे होता है, काफ़ी छोटा सा एग्जॉस्ट होता है। लेकिन इसकी आवाज़ काफ़ी थ्रोटी होती है, मतलब वो नहीं होता, ज़्यादा थंप नहीं होता गाड़ी की आवाज़ में। RF करना एक बार। और बस इतना ही था। ऑयल्ड कूल इंजन है इसका, मतलब एयर कूल्ड नहीं है, इसमें कूलेंट डलता है जिसकी वजह से गाड़ी काफ़ी समय तक ठंडी रह सकती है। यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है आपको, जो कि RPM लिमिटर के नाम से आता है। और चलिए आपको इसका सिनेमैटिक व्यू दिखाते हैं।
में काफ़ी पंच मिल जाता है सिटी के लिए, और सिटी के हिसाब से राइडिंग पोजीशन भी काफ़ी कंफर्टेबल है, और फर्स्ट से सेकंड गियर में काफ़ी पंच मिलता है आपको गाड़ी में। फर्स्ट गियर में कभी कभी गाड़ी उड़ जाती है नए लोगों से, जैसे कि हम लोगों से। तो 110 के आसपास इसकी टॉप स्पीड है। अभी ये गाड़ी इस कंडीशन में नहीं है कि इसको भगाया जाए, तो हम लोग इसको भी नहीं भगा रहे हैं। काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सिटी के हिसाब से सही गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है इसको खरीदने में, आप खरीद सकते हैं बिल्कुल। हम लोग करेंगे ड्रैग प्लेजर से। दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे, इनको जरूर दिखाएंगे। ये ऐसे चले आए, देखो एकदम मॉडल बन गए। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज हम लोग के साथ है NS160, कि बजाज NS160 था। गाड़ी में जब मेरी फेवरेट चीज़ है वो है ये, यहाँ पे लिफ्ट का लिखा हुआ है, लेबलिंग हुई है, और उसको ऐसे करके लिफ्ट करते हैं। सो हैव अ लुक हाउ फोर वेल्व सिंगल सिलेंडर 160 cc NS साउंड्स रेव।